वर्बलिंग, वर्बलिंग कौन सा ऐप है, इस पे क्या होता है, कैसे आप इस पे कमाई कर सकते हो और फोन से ही कमा सकते हो, अपने घर बैठ के ही कमा सकते हो इससे, खाली आपको भाषा सिखानी होती है। सो ये आपको कैसे करना होता है, इसमें क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वर्बलिंग की पूरी जानकारी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। काफ़ी दिनों से हम लोग आपके लिए जॉब्स की वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि पढ़ाई के साथ कमाई कैसे करें। इसमें मैंने कहा था वर्बलिंग पे आपको डाउट है कि वर्बलिंग पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। सो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने सोचा था मैं तुरंत बना दूंगी, लेकिन उस टाइम वैकेंसीज खत्म हो गई थी, क्योंकि ये जो जितनी भी प्राइवेट जॉब्स है ना, उसकी वैकेंसीज आती जाती रहती हैं। पता चला आज वैकेंसीज ओपन हुई है, कल खत्म हो गई। सो तुरंत हम लोग वीडियोज भी नहीं बना पाते और ना ही तुरंत आप देख सकते हो। सो कई बार हमें वेट करना पड़ता है कि वैकेंसीज आए, पर क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गई थी तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं प्रोसेस आपको सब कुछ बता दे रही हूँ, वैकेंसी आने पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार चेक करते रहना होगा, कोई भी प्राइवेट जॉब है उसकी, ऑनलाइन जो जॉब्स हैं उसकी वैकेंसीज आती जाती रहती हैं। आपका काम ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे उसे चेक करते रहो, ठीक है। प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ और इसमें क्या करना होता है, कितना तक लोग कमा लेते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, वर्बलिंग, वर्बलिंग जो है ये एक ऐप है जो कि फॉरेनर्स का ऐप है, इंडियन ऐप नहीं है, फॉरेन का ऐप है। तो इससे अगर आपको पेमेंट लेनी है तो आपके पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम अकाउंट होता है ना, वैसे पेपाल भी होता है। सो जितने भी इंटरनेशनल पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए पेपाल अकाउंट यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो ये अमेरिकन वेबसाइट है, तो अमेरिकन से यहाँ ट्रांसफ़र करना है तो पेपाल ऐप की ज़रूरत पड़ती है। सो इसमें लॉगिन करने से पहले आपको पेपाल ऐप डाउनलोड करना होगा और पेपाल में अपना अकाउंट बनाना होगा, जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे बनाते हो ना, वैसे ही पेपाल पे भी आपको बनाना होगा, ठीक है। ये बनाने के बाद ही आप वर्बलिंग पे अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वहाँ से आपको अकाउंट की अपनी डिटेल्स पूछी जाएंगी पेपाल, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे टीचर के लिए तो आपके पास पेपाल अकाउंट होना चाहिए। कैसे आपसे मांगा जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं गूगल पे से, तो उनका फ़ोन नंबर लगता है, या फिर अगर आपको भीम यूपीआई से पैसे ट्रांसफ़र करना है तो यूपीआई आईडी लगती है। ऐसे ही पेपाल अकाउंट की आईडी होती है, वो आपको शेयर करनी होती है। उसको शेयर करने से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या क्या नहीं शेयर करना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने एटीएम का पिन शेयर नहीं करना है, अगर बैंक से रिलेटेड कोई ओटीपी आती है, जैसे कि ऐसी ओटीपी आई कि आपका इतना डेबिटेड हो जाएगा, डेबिटेड या क्रेडिटेड ऐसे करके कोई ऑप्शन आता है और बैंक से रिलेटेड होता है, तो उसका पिन आपको नहीं देना है। और कोई भी एडवांस पेमेंट आपको किसी को नहीं करनी है। इतना चीज़ अगर आप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पेपाल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त लगेगा, अदरवाइज आपके पैसे नहीं आएंगे, ओके। अच्छा, इसमें आपको करना क्या होता है, जैसे मान लो मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, सो अगर मैं किसी को सिखाना चाहूँ तो हिंदी और इंग्लिश सिखा सकती हूँ, बातचीत करके उन लोग को सिखा सकती हूँ। सो मेनली इस ऐप का पर्पज़ ये है कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं घूमने टहलने टूरिज़्म के लिए, तो उनको लोकल भाषा नहीं आती, सो वो वर्बलिंग ऐप के थ्रू कुछ ही घंटे में कुछ नॉर्मल बोलचाल की भाषा सीखना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई पंजाब जा रहा है, उन्हें पंजाबी नहीं आती, और पंजाब के लोग मैक्सिमम पंजाबी बोलते हैं, या साउथ के लोग को हिंदी नहीं आती, साउथ इंडियन जो है उन्हें हिंदी जनरली नहीं आती है, उन्हें या तो इंग्लिश आती है या तो वहाँ की लैंग्वेज आती है। सो लोग वहाँ अगर घूमने जा रहे हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा बहुत दो चार शब्द हमें बोलना आए ताकि हम अपना काम कर सकें। सो वो जैसे कि आप गूगल ओपन करके कुछ भी ढूंढते हो, वैसे ही लोग वर्बलिंग ओपन करके ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो थोड़ा बहुत हमें भाषा का ज्ञान दे दे, भाषा में सिखा दे। सो इसलिए लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो आप एज अ ट्यूटर यहाँ रजिस्टर करोगे तो आप एक दो घंटे का टाइम निकाल के लोगों को सिखा सकते हो, और उस बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं। ये रेगुलर जॉब नहीं है कि आपको रोज दो घंटा काम करना है, ये रेगुलर जॉब नहीं है, ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड है और काम आने पे डिपेंड है कि कितना काम आता है, उस हिसाब से आपको काम करने होते हैं। अगर आपको रेगुलर बेसिस की जॉब चाहिए तो उसके लिए मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं, वो आप देख सकते हो, जॉब्स के हमारे प्लेलिस्ट है, लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये रेगुलर जॉब नहीं है, इसमें आपको रेगुलर काम नहीं मिलेगा और रेगुलर आपको एक घंटा नहीं बैठना है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको टाइम टू टाइम काम मिलेगा और टाइम टू टाइम आपके पैसे दिए जाएंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे इसमें नहीं मिलता है। सो अगर मैं मैक्सिमम बताऊँ, मैक्सिमम आप इससे 10,000 या 15,000 रुपये महीना कमा सकते हो, या बहुत हो गया तो 20,000 कमा लोगे, इससे ज़्यादा इसमें पैसे उतने मुश्किल का काम है, ठीक है। सो इतना तक इससे आप कमा सकते हो मंथली। और इस पे रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देती हूँ। देखो,
आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आपने टाइप किया वर्बलिंग। वर्बलिंग टाइप करोगे तो आपके सामने ये देखो दूसरे नंबर का ऐप आया है वर्बलिंग। वर्बलिंग को आप खोलते हो तो यहाँ पे मतलब आप सीख भी सकते हो, जैसे मान लो फाइंड ए टीचर, तो आप कोई भाषा सीखना चाहते हो तो यहाँ से सीख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि आपको एज अ टीचर काम करना है तो काम करने का तरीका बताती हूँ, आपको इस ऐप पर नहीं जाना है, थोड़ा बैक आ जाओ। बैक आने के बाद नीचे देखो अप्लाई टू टीच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा। पेज खुलने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो देखो अभी वैकेंसी नहीं है, इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन टीचिंग ऑन वर्बलिंग, अनफॉर्चुनेटली वी आर करेंटली नॉट एक्सेप्टिंग न्यू टीचर एप्लीकेशंस, हाउएवर वी आर कंटिन्यूअसली रिव्यूइंग द सिचुएशन, सो प्लीज़ चेक बैक अगेन इन फ्यूचर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, आप कुछ समय बाद फिर से ट्राई करें, फ्यूचर में हम लोग वैकेंसीज निकालेंगे। सो इस तरह का इनका कुछ कहना है, तो आपको ओके करके बाहर आ जाना है। और टाइम टू टाइम मतलब कि 2-4 दिन में 5 दिन में आप चेक करते रहोगे तो कभी ना कभी अप्लीकेशन आ ही जाती है। सो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। एंड इसमें अर्निंग का भी मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 20,000 कमा पाओगे, इससे ज़्यादा कमा पाना मुश्किल है। इससे आप अपनी भाषा सिखा के यहाँ पे कमा सकते हो। आपको अगर रेगुलर जॉब्स जाननी है ना, तो रेगुलर जॉब्स के लिए आप प्लीज़ हमारी वो प्लेलिस्ट देखें, हमने रेगुलर जॉब भी बता रखी है कि कौन सी जॉब है जो आपको रेगुलर मिलती रहती है और हर दिन आपको काम उसमें मिलता है, ठीक है। सो उसके लिए लिंक लास्ट में है, वो भी आप देख सकते हो। PW में भी जो जॉब्स है वो रेगुलर जॉब्स होती है। फिजिक्स वाला में आप टीचिंग का जॉब कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी भी उठती है। ये दोनों वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें मैंने बताया कि अप्लाई कैसे करना है, इसमें मैंने बताया है कि पोस्ट वाइज सैलरी कितनी मिलती है, इसमें मैंने एवरेज सैलरी बता दी है कि कितनी कितनी मिलती है। लेकिन पोस्ट वाइज जैसे कि मान लो आप टीचर बन रहे हो, डाउट सॉल्वर बन रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर कंटेंट राइटर बन रहे हो, तो किस पोस्ट के अनुसार कितनी सैलरी है वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, बाय, टेक केयर।